वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने जेल रोड के गीता वाटिका स्थित बाल शिशु गृह पहुंचकर वहां रहने वाले अनाथ बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया और उनकी खुशियों में शामिल हुए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान एसएसपी सुनील गुप्ता ने बच्चों को गर्म कपड़े, कंबल व मिठाइयां भी वितरित किए और उनका उत्साह वर्धन किया। इस अवसर पर अनाथ आश्रम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संस्था के व्यवस्थापक सुधा दाह ने कहा, हेलो अरे बताओ भाई लीडर कौन है आपको? कौन लीडर है? चलो बाकी बच्चे कहाँ गए? इधर आओ, इधर आओ बच्चों, इधर लगे तो के बच्चा भी तुम्हारे पास है। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत छोटे बच्चे ऊपर चलो ये आप देखे चलो उधर देख लो पड़ी थी तो सुबह जब उठा तो पता चला इसमें एक जा, सर के पास जाओ, दो तीन चार चार हेलो मच्छर लग रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं छोटे वाले है ये सर, ये सब अशिका पूछा ऐसे मतलब अब बोलना शुरू कर लिया तो जो सुन रहे सुनते हैं साबुत जी तो बहुत थैंक यू, यहाँ तो आपका बहुत शुक्रिया।
घर मिल गया ऊपर जाके पहुँचा भी देते हैं। पीछे भी बिल्डिंग थी ना आज उनका विजिट था कि जैसे ठंड को देखते हुए उनके द्वारा कंबल वितरण हुआ है और फल मिठाई वगैरह केक काटी गई बच्चों के साथ और काफ़ी उत्साह थे और बहुत खुश थे सारी गतिविधियों को देख के छोटे बच्चों से मिल करके और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा भी की है कि हाँ संस्था काफ़ी अच्छा काम कर रही है और ये हमारे लिए बड़ी उत्साह है कि जब हमारे अधिकारी इस प्रकार के हमें उत्साहवर्धन बात बोलते हैं तो हमें काम करने में और भी हमें जोश हमारे जोश बढ़ जाती है। थैंक यू। क्या कार्य है आपकी संस्था का? हमारा संस्था का कार्य है कि जो हमारा लोगो मोटो है वो है उच्च कोटि के जीवन शैली को संपूर्ण मानव में बांटना और हम यही कर रहे हैं। आज ऐसे गरीब अनाथ बच्चे जो फेंक दिए गए हैं झाड़ियों में पड़े हैं रेलवे स्टेशन में हैं ट्रेन में बसों में फेंक दिए जाते हैं न्यू बॉर्न चाइल्ड उनको चाइल्डलाइन और CWC के द्वारा हमारी संस्था में भेजी जाती है जिनका हम केयर करते हैं। बहुत से बच्चे हैं 2 दिन के 1 दिन के कुछ घंटे के बच्चे यहाँ आते हैं जिनकी देख रेख हम करते हैं और फिर उनको प्रोसेस में लाते हैं अडॉप्शन का और फिर वो इंडिया के कई कोने में विदेशों में भी बच्चे हमारे यहाँ से गए हैं। क्या नाम? मेरा नाम उषा दास है। मैं एडमिन डायरेक्टर हूँ इस संस्था में।